हेलो फ्रेंड्स, मैं यश शर्मा, सी एम आई का एजुकेटर, हमारे यूट्यूब चैनल सी एम आई में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम संविधान के मूल अधिकारों के संबंध में एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। तो आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों से संबंधित, समानता के अधिकार की। लेकिन उससे पहले मैं पुरानी वीडियो संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा और आप उनके जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब अगर आपको लास्ट वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक अवश्य करें, उससे आपको हमारी लास्ट वीडियो दिख जाएगी। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास पहले कितने थे, 7 मूल अधिकार थे। बाद में मूल अधिकार कितने हो गए, 6 हो गए। अब उन 7 में से एक मूल अधिकार को उठाया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। तो मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि संपत्ति के अधिकार को कब और किस संशोधन द्वारा हटाया गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है आपके, ए 42nd अमेंडमेंट 1976, बी है आपके पास 44 अमेंडमेंट 1978, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को कब विधि शून्य घोषित किया गया या कब मूल अधिकारों से हटाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आपके लिए एक और, कमेंट बॉक्स में आप उसका भी उत्तर दें कि संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में कहां रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में इसकी पोजीशन क्या है, वर्तमान इसकी पोजीशन क्या है आपको बताना है। इसका भाग और इसका अनुच्छेद दोनों आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, मैंने आपको बताया था कि जब न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई अवधारणा दी थी और वो थी मूल ढांचे की अवधारणा। तो आप मुझे बताएं कि जो मूल ढांचे की अवधारणा है, मूल ढांचे की अवधारणा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब दी थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब दी थी। आंसर्स देंगे आप पहले इसके सन के बारे में, 1971, 1972, 1973, 1974, ए बी सी और डी। ठीक है, दूसरा है किस केस में दी थी। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास केशवानंद भारती वाद, दूसरा है आपके पास इंदिरा साहनी वाद, तीसरा है आपके पास गोपालन वाद, और चौथा है आपके पास मेनका गांधी वाद, ए बी सी और डी। कब और किस केस में दी थी, ये दो क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे समानता के अधिकार की। किसकी बात करेंगे, समानता के अधिकार की, समानता का अधिकार। अब हम बात करेंगे समानता के अधिकार की, यानी राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में हमें समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 नागरिकों को राज्य के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है, और वो दो तरीके से ये समानता का अधिकार हमें देता है। आर्टिकल 14 में दो बातें कही गई हैं,
तो वो दोनों बातें हम यहां पे देख रहे हैं। पहली बात है विधि के समक्ष समता या समानता, विधि के समक्ष समता या समानता, और दूसरी है दोस्तों विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। फर्स्ट है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समता का अर्थ यहां पे क्या है कि जब भी कानून के सामने कोई भी वाद लाया जाएगा, कोई भी बात आएगी, तो कानून प्रत्येक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेगा, समान व्यवहार करेगा। मतलब जो कानून है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव ना धर्म के आधार पे करेगा, ना लिंग के आधार पे करेगा, ना किसी की जाति के आधार पे भेदभाव कर सकता है, ना ही किसी के रिच या पुअर होने के आधार पे भेदभाव कर सकता है। तो जो हमारी विधि यानी कानून है वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबके साथ क्या रखेगा, समता या समानता रखेगा। दूसरा है आपके सामने विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण ये कह रहा है कि जो भी विधि बनाई गई है, जो भी विधि बनाई गई है उससे प्रत्येक व्यक्ति को समान संरक्षण मिलना चाहिए। अब इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्य यहाँ पे क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, और राज्य भेदभाव किस हिसाब से करेगा, वो करेगा किसी के लिंग के आधार पे, कि एक व्यक्ति जैसे महिला हो गई एक पुरुष हो गए, दोनों की शारीरिक संरचना अलग होती है, तो दोनों सेम कार्य है एक ही कैपेसिटी के साथ नहीं कर सकते, तो उनके लिए राज्य कुछ ऐसे प्रावधान लाएगा कि महिलाओं को उसमें थोड़ी छूट होगी। जैसे अगर कोई अपंग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, और एक कोई सामान्य शारीरिक संरचना वाला व्यक्ति है, अगर वो दोनों एक साथ एक रेस में दौड़ेंगे तो आप और हम भी जानते हैं कि एक सामान्य संरचना वाला व्यक्ति चाहे भले ही से वो शरीर में इतना दौड़ पाने में सक्षम भी नहीं होगा, उसकी दौड़ बहुत अच्छी नहीं होगी, तो भी वो उस दिव्यांग व्यक्ति से बेहतर तरीके से दौड़ पाएगा। और साथ में दूसरी बात आपके सामने पहली थी कि ये विधि के समक्ष समता, अब ये कह रहा है कि हम तो दोनों के साथ समान व्यवहार करेंगे कि अगर 200 मीटर की, 100 मीटर की, 400 मीटर की कोई भी रेस होगी तो हम तो दोनों को बराबर दौड़ाएंगे और जो जीत जाएगा उसे हम पहला स्थान पर रख देंगे। लेकिन यहां पे कह रहा है कि अगर भाई साहब आप शारीरिक संरचना हमने देखी है कि एक दिव्यांग व्यक्ति की अलग होती है, एक आम व्यक्ति की अलग होती है, सामान्य नागरिक की, तो उन दोनों के साथ ये कुछ ऐसी विधियां बनाएगा जिससे कि दोनों के लिए कार्य समान हो जाए। हो सकता है कि ये कह दे कि हाँ सामान्य व्यक्ति को 100 मीटर दौड़ना है, दिव्यांग व्यक्ति को सिर्फ 20 मीटर दौड़ना है, या 10 मीटर दौड़ना है, 40 मीटर दौड़ना है, वो राज्य अपने हिसाब से तय करेगा, तो जो इसमें बेहतर रहेगा उसी को राज्य प्रायोरिटी दे देगा। तो यहां पे जो आपके सामने विधि के समक्ष समता है ये एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। कैसा डालेगा दोस्तों, नकारात्मक प्रभाव। अब नकारात्मक प्रभाव मैंने आपको भी बता ही दिया है कि अगर दो अलग अलग शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति हैं तो दोनों के साथ अगर सेम व्यवहार होगा तो ये एक के लिए नकारात्मक हमेशा बन जाएगा। और दूसरा विधियों का समान संरक्षण, इसने क्या किया कि भेदभाव कर दिया। अब भेदभाव, लेकिन ये गलत भेदभाव नहीं है, ये हमेशा अपने नागरिकों के बेहतरी के लिए भेदभाव करेगा राज्य, तो वहां पर यह कैसा भेदभाव होगा, सकारात्मक होगा। अब विधि के समक्ष क्षमता, जो ये समानता का व्यवहार है, ये भारतीय संविधान को कहां से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है ब्रिटेन से। कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये हुआ है ब्रिटेन से, ब्रिटेन। और ये जो विधियों का समान संरक्षण है ये कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, यूएसए से। एक कह रहा है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को समान समझेंगे, जो कि नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि ये अगर सभी व्यक्तियों की शारीरिक संरचना, सभी व्यक्तियों की मानसिक संरचना सबको समान रखेगा तो ये तो नागरिकों के साथ भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक की शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना अलग होती है। लेकिन विधियों के समान संरक्षण के द्वारा हर व्यक्ति को उसके हिसाब से, उसकी शारीरिक संरचना हुई, उसकी जो भी लिंग होगा, हर चीज के हिसाब से ये अलग से विधि बनाएगा उसके लिए, तो यहां से क्या होगा, विधियों के संरक्षण के द्वारा सबको समान बना दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये सकारात्मक प्रभाव डालेगा, और विधि के समक्ष समता कैसा प्रभाव डालेगी दोस्तों, नकारात्मक प्रभाव डालेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।
हाँ तो अब आर्टिकल 14 ने कहा आपसे कि हम क्या करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, लेकिन अब आर्टिकल 14 में बहुत से इसके अपवाद भी हैं जिसके तहत ये सबके साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 14 के अपवाद। अब ये कौन कौन से अपवाद होंगे ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपवाद के बिना किसी भी आर्टिकल को समझना, समता और स्वतंत्रता, ये दो ऐसे अधिकार है जिनमें बहुत ज्यादा अपवाद आपको मिलेंगे दोस्तों। आर्टिकल 14 के तहत इसका जो अपवाद हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद। अब अपवाद क्या है, तो इसका पहला अपवाद ही हमारे सामने आ जाएगा कि अब ये क्या करेगा, देखिए अब ये समान व्यवहार नहीं करेगा। अब आर्टिकल 14 क्या है, समान व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि इसने कुछ अलग विधियां बना दी विधियों के समान संरक्षण के तहत। अब ये क्या करेगा, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल, अब हमारा आर्टिकल 14 के जो अपवाद है, इसका पहला जो अधिनियम है वो कह रहा है कि हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ समान व्यवहार अन्य नागरिकों की तरह नहीं करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि आप किस आधार पे इनसे समान व्यवहार नहीं करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 361। इसमें ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति होगा और राज्यपाल होगा, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति होगा और राज्यपाल होगा, एक तो पहली बात कि ये जो अपने पद पे रहते हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये पद पे रहते हुए जब भी कार्य कर रहे हैं, और मान लीजिए कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा आता है या इनके खिलाफ कोई दोषारोपण सिद्ध हो जाता है, तो इनके पद पे रहते हुए जो भी कार्य किए जाएंगे वो कभी भी विधि शून्य घोषित नहीं होंगे। मान लीजिए आज किसी राष्ट्रपति के ऊपर कोई केस चला, तो केस चलने के बाद जब उसके ऊपर क्या आया, वर्डिक्ट आ गया, उसका निर्णय आ गया, तो निर्णय आने के बाद अगर वो दोषारोपित भी हो गया, तो उसके द्वारा किए हुए कार्य कभी भी विधि शून्य नहीं होंगे, उसने जो पद पे रहते हुए कार्य किए वो सारे कार्य माने जाएंगे, दूसरा विधि शून्य नहीं होंगे। इसका जो दूसरा है कि इनको क्या नहीं किया जाएगा, इनके पद पे रहते हुए इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और गिरफ्तार किन मुकदमों के तहत नहीं किया जाएगा, दीवानी मुकदमों के तहत, दीवानी मुकदमों के तहत इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तीसरा कि अगर इनको आपको गिरफ्तार करना भी है, गिरफ्तार करना भी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इनको दो महापूर्व क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। दो महापूर्व इनको क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। दूसरा जो इसका अपवाद है, जैसे हमारे संसद का एक सदस्य होते हैं, संसद सदस्य, ये हो गया अपवाद नंबर दो। संसद के जो सदस्य हैं या राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य, संसद के सदस्य आपके क्या कहलाते हैं, एमपी। राज्य विधानमंडल के सदस्य क्या कहलाते हैं, एमएलए या एमएलसी। भाई राज्य विधानमंडल में क्या होता है, एक आपकी राज्य विधानसभा होती है, एक आपकी राज्य विधान परिषद होती है, तो राज्य विधान परिषद का सदस्य एमएलसी कहलाएगा और राज्य विधानसभा का सदस्य क्या कहलाएगा, एमएलए कहलाएगा। इसी प्रकार संसद के सभी सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का हो लोकसभा का हो, क्या कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। अब संसद के सदस्य क्या होते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी में क्या है, कार्य करने के लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं। तो इन समितियों में सदस्य जो संसद के सदस्य हो या राज्य विधानमंडल के सदस्य हो, ये सभी इन समितियों में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब ये सदस्य कोई भी मत दिया, मान लीजिए इन्होंने उस समिति का सदस्य रहते हुए कोई अच्छा मत दिया, सही दिया या गलत दिया, जो भी मत दिया, उसके प्रति ये कभी भी क्या नहीं रहेंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। जो इन्होंने मत दे दिया उसके लिए इनसे कोई भी जवाब नहीं पूछा जाएगा, ना तो ये जवाबदेह होंगे ना ही ये जवाबदेह होंगे। किसमें जवाबदेह नहीं होंगे, जो संसद की समितियां हो या राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद की समितियां होंगी, तो उनमें जो इन्होंने मत दिया है किसी भी निर्णय के विरुद्ध या निर्णय के पक्ष में, उसके लिए कभी भी जवाबदेह नहीं होंगे।
अब इनको ये शक्ति किस आर्टिकल के तहत मिली है? तो एमपीज को मिली है आर्टिकल 105 और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मिलती है आर्टिकल 194 के तहत। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरा अपवाद कि अगर तीसरा जो इसका अपवाद है वो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, इवन आप या मैं, कोई भी व्यक्ति अगर संसद या राज्य विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण कर देता है, संसद या राज्य विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण कर देता है, तो उसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति, आप हो मैं हूं, अगर संसद या राज्य विधानसभा की किसी कार्यवाही का हम क्या कर देते हैं, प्रसारण कर देते हैं। यानी आपने संसद की कार्यवाही हो रही है, आपने उसको अपने FB पे शेयर कर दिया, या मान लीजिए आपने उसका कोई वीडियो बना के YouTube पे डाल दिया, जैसे भी आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको प्रसारित किया, तो उसके लिए आप जवाबदेह नहीं होंगे, इसके लिए आप पर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा। और ये कहां लिखा हुआ है दोस्तों? आर्टिकल 361 के में, आर्टिकल 361 के या 361 ए, आर्टिकल 361 के या 361 ए में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर संसद या राज्य विधानमंडल के कार्यवाही का प्रसारण करता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 31 गे, इसका अगला अपवाद, आर्टिकल 14 का अगला अपवाद, अपवाद नंबर 4। इस आर्टिकल 31 गे में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर राज्य विधानमंडल, कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल ने क्या किया? कोई भी विधि बना दी। क्या बना दी? कोई भी विधि बना दी। अब विधि उसने किस आर्टिकल के तहत बनाई है? आर्टिकल 39 खे और गे, या फिर हम कहना चाहें तो बी और सी। आर्टिकल 39 बी और सी के तहत अगर राज्य विधानमंडल कोई विधि बना रहा है तो उस विधि को इन्होंने क्या बनाई? राज्य विधानमंडल ने इन आर्टिकल्स के तहत क्या बना दी? एक विधि बना दी दोस्तों। क्या बना दी? विधि। इस विधि को क्या नहीं किया जा सकता? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 31 गे में कि अगर राज्य विधानमंडल, संसद नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल, आपकी विधानसभा, विधान परिषद, अगर आर्टिकल 39 खे और 39 गे को, 39 खे और 39 गे के माध्यम से अगर कोई क्या बनाते हैं, विधि बनाते हैं, कोई एक्ट पारित करते हैं, तो उस एक्ट को कहां चुनौती नहीं दी जा सकती? न्यायालय में। यानी कि ये जो एक्ट है वो न्यायिक समीक्षा से बिल्कुल ही परे है दोस्तों। अगर राज्य विधानमंडल ने 39 खे और 39 गे के अकॉर्डिंग कोई भी विधि बना दी तो उस विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये हमारे संविधान का एक पार्ट है और ये आर्टिकल 14 का क्या है? अपवाद है दोस्तों। अब नेक्स्ट आर्टिकल, इससे पहले आर्टिकल 14 के कुछ और अपवाद, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे भारत में भी कुछ राजदूत उच्चायुक्त होते हैं, भारत के राजदूत और उच्चायुक्त अन्य देशों में भी होते हैं। भारत में क्या होता है कि कुछ जो राष्ट्रमंडल के सदस्य होते हैं, जो देश किसके सदस्य हैं? राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, उनके जो विदेशी राजनयिक कहलाते हैं उनको तो क्या कहते हैं? उच्चायुक्त। और अन्य देशों के जो राजनयिक सदस्य कहलाते हैं, राजनयिक कहलाएंगे, विदेशी राजनयिक, उनको हम क्या कहेंगे? राजदूत। जो अन्य देशों के राजनयिक कहलाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? राजदूत कहेंगे। अब ये जो उच्चायुक्त हुए, राष्ट्रमंडल
राजदूत हुए या मान लीजिए किसी भी देश का प्रधानमंत्री आया, राष्ट्रपति आया, अगर उनके खिलाफ, अगर उनसे कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई भी मान लीजिए राजदूत अपनी गाड़ी लेके निकला है, उससे एक एक्सीडेंट हो गया, तो इनके ऊपर क्या है, भारत में कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। भारत में इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, चाहे वो उच्चायुक्त हो, चाहे राजदूत हो, या किसी भी देश का शासक हो, वहां से आया हुआ कोई मंत्री हो, कोई भी हो, विदेशी, अगर कोई राजनयिक है जो अथॉरिटी है, अगर वो भारत में आते हैं और उनसे कोई गलती हो जाती है, उनसे कोई कानून का उल्लंघन हो जाता है, तो उनके खिलाफ भारत में केस नहीं चलेगा, उनके खिलाफ उनके देश में केस चल सकता है, उनके खिलाफ उनके देश में केस चल सकता है। तो ये भी क्या है, आर्टिकल 14 का एक अपवाद है कि अगर आप किसी देश के उच्चायुक्त हो, किसी भी देश के राजदूत हो, तो आपके खिलाफ भारत में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जो इसका है, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ, इसके जो सदस्य हुए, यूएनओ के क्या हुए, सदस्य हुए, या इसकी जो एजेंसीज हैं, यूएनओ की जो एजेंसी है, इनके जो सदस्य होंगे, एजेंसियों के सदस्य, एक सेकेंड ऊपर बताता हूं आपको, ये तो आपने पहले स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। अब आप देख रहे हैं आपके यूएनओ, यूएनओ के क्या हुए, सदस्य, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के तो सदस्य हैं, और यूएनओ की क्या है, कुछ एजेंसी, उनके भी सदस्य। अब मान लीजिए ये लोग क्या है, हमारे भारत आए, और भारत में आने के बाद इनसे क्या हो गया, कुछ गलती हो गई, कोई क्राइम हो गया। अब यूएनओ की एजेंसीज पहले आप देख लीजिए, जैसे यूनिसेफ है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब यूएनओ के बनाए हुए एजेंसीज है। यूएनओ की महासभा हुई, यूएनओ का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गया, तो इन सब के जो सदस्य हैं, अगर वो भारत में आए, भारत में उनसे किसी विधि का उल्लंघन हो गया है या कोई क्राइम हो गया है, तो उनके लिए भी भारत में केस दर्ज नहीं होगा। या तो यूएनओ करवाएगा उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज, या फिर उनके संबंधित देश में होगा, वो यूएनओ के कानूनों के अनुसार ही होगा, भारत के कानूनों के अनुसार उसके ऊपर भारत में केस नहीं चलेगा। ये भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए। अब आर्टिकल 15, नेक्स्ट है आपके सामने आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 आपको कहता है, आर्टिकल 15 जो समता के अधिकार के तहत कहता है कि राज्य क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा, राज्य क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि विभेद का क्या करता है यह आर्टिकल, प्रतिषेध करता है, यानी विभेद को यह आर्टिकल रोकता है। उसके क्या है, कुछ आधार है, कुछ आधार है। इस आर्टिकल में एक लैंग्वेज लिखी हुई है साफ साफ कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये देखिए ये पांच क्या है, इसके आधार हैं। पहले इस शब्द को देख लेंगे हम, पहले आप इस शब्द को देख लेंगे। आर्टिकल 15 की सीधी सीधी भाषा है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन पांच आधारों पर क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा दोस्तों, विभेद नहीं करेगा। ये दो, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो शब्द हैं कि राज्य क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अब राज्य क्या करेगा, राज्य कह रहा है आर्टिकल 15 की भाषा के अनुसार कि क्या होंगे आधार, क्या होंगे आधार, सिर्फ ये ही होंगे इन पांच आधारों पर, क्योंकि देखिए सामने लिख दिया इसने, केवल केवल इन पांच आधारों के आधार पर ही हम क्या नहीं करेंगे, विभेद नहीं करेंगे। इन पांच शब्दों को हम समझेंगे, उससे पहले हम क्या देखेंगे, केवल और विभेद को। केवल यानी सिर्फ ये ही पांच आधार लगा सकते हो आप,
इनके अलावा किसी भी आधार पर क्या कर सकते हो, भेदभाव कर सकते हो। दूसरा क्या है, विभेद नहीं कर सकते आप। इन पांच आधारों के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। अब पहला आधार क्या लिया इन्होंने, धर्म। इनका कहना है कि आप किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति हो, भारत में अनेकों संप्रदाय अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं, तो आप किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति हो, आपसे धर्म के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शिक्षण संस्थान है, उसमें एक टीचर की पोस्ट है, उस टीचर की पोस्ट पे ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, आप मुस्लिम हो तो आपको नहीं मिलेगी, आप सिख ईसाई पारसी किसी भी जैन किसी भी बौद्ध आप अन्य किन्हीं भी संप्रदाय से संबंधित हो, तो आपके साथ राज्य इन आधारों पे कभी भी विभेद नहीं करेगा। दूसरा है मूल वंश। मूल वंश यानी आपका ओरिजिन, आपका जो मूल वंश है। मान लीजिए कि आपके जैसे पहले अपने परिवार में किसी को कोई सजा हुई हो, तो उस मूल वंश या किसी भी प्रकार से आपका जो भी मूल वंश होगा, जिस भी वंश से आप संबंधित है, वंशानुक्रम होगा, उसके आधार पर भी आपसे राज्य कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। तीसरा है आपकी जाति। मान लीजिए कई जातियां होती है, जात सामान्य हुआ, एससी एसटी ओबीसी एनी कोई भी जाति होगी, उनके आधार पर भी राज्य आपसे विभेद नहीं करेगा। नेक्स्ट है लिंग। मान लीजिए आप पुरुष है, महिला है, या थर्ड जेंडर है, आप कुछ भी हैं, तो आपके इन आधारों पर भी राज्य आपसे शिक्षा में नौकरियों में जो भी राज्य की विधियां होंगी उनके अनुसार आपसे कोई भी वो भेदभाव नहीं करेगा। और अंतिम है कि जन्म स्थान। जन्म स्थान आपका जन्म जिस स्थान पर भी हुआ है, उसके आधार पर राज्य आपसे कोई भी विभेद नहीं कर सकता। दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 15। इस आर्टिकल 15 के भी कुछ अपवाद है, वो हम देखते हैं। उससे पहले आप इस लैंग्वेज को पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से विभेद या भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों अब इसके अपवाद हम देखेंगे, आर्टिकल 15 के कुछ अपवाद। अब इसके अपवाद हमें कहेंगे, अपवादों में देखो इसने इन्होंने पहले ही बना दिया कि राज्य विभेद भी करेगा। अब देखिए अपवाद कह रहा है कि राज्य विभेद करेगा। राज्य क्या करेगा, विभेद करेगा। और राज्य किस आधार पर विभेद करेगा आपसे, तो आर्टिकल 15 का पहला अपवाद है कि राज्य बच्चों या महिलाओं के उत्थान, बच्चों या महिलाओं के उत्थान के लिए विधि बनाकर विभेद कर सकता है। अब आप देखेंगे कि बच्चों के लिए महिलाओं के लिए, जैसे बच्चों के लिए भी राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम चलाया गया है, तो उसमें क्या है, सिर्फ बच्चों को ही सम्मिलित किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप और मुझे भी उसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। अब महिला आयोग है लेकिन कोई पुरुष आयोग नहीं है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए भी एक स्पेशल आयोग बना दिया गया, एक विधि बना दी गई। ये किसने बनाया, राज्य ने बनाया। एंड राज्य इस आधार पे क्या कर रहा है, विभेद कर रहा है। अब महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, स्थानीय निकाय। क्या कर रखा है, स्थानीय निकाय, वो चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उनमें महिलाओं को क्या दे रखा है, आरक्षण। अब ये आरक्षण है तो ये तो विभेद है ना, आरक्षण भी तो एक तरह का भेदभाव है। लेकिन व्यवस्था दे दी कि बच्चों या महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कर सकता है, कोई भी विधि या कानून बना सकता है। तो इन्होंने बना दिया कि इनको महिलाओं को क्या दे दिया, स्थानीय निकायों में आरक्षण दे दिया। दूसरा नोट कर लीजिए आप इसको, नंबर टू, एससी या एसटी। नंबर टू क्या कह रहा है, एससी या एसटी को आगे बढ़ाने के लिए, एसटी या एससी को आगे बढ़ाने या उनके उत्थान के लिए, एससी या एसटी के उत्थान, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी राज्य क्या कर सकता है, कुछ नियम या कानून बना सकता है। इसके आधार पे क्या कर सकता है, भेदभाव। अभी एससी एसटी का आधार क्या हो गया, तो ये जाति वाला आधार हो गया। देखिए आप लिंग के आधार पे पहले कर लिया,
अब जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। और ये भेदभाव क्या कह रहा है कि हम एससी एसटी को शिक्षा में, एससी एसटी को रोजगार में सब में हम क्या दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, साथ में विधान मंडल में भी इनको क्या मिल रहा है, आरक्षण। विधान मंडल में भी क्या मिल रहा है इनको, आरक्षण। संसद में भी है और राज्य विधान मंडलों में भी एससी एसटी को क्या मिलता है दोस्तों, आरक्षण मिलता है। नंबर तीन कि एससी एसटी का शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण है, एसटी एससी को किसमें है, शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। तो ये आर्टिकल 15 के कुछ आपके सामने क्या हो गए दोस्तों, विभेद हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो दोस्तों अब इसके आगे है, जैसे हमने अब आरक्षण हम पढ़ रहे हैं, एस सी एस टी का आरक्षण हमने देख लिया कि भाई किस आधार पे दे दिया। अब इसी आधार पे ओबीसी को भी क्या मिला, आरक्षण मिला। ओबीसी को आरक्षण कम मिला, ओबीसी को आरक्षण मिला 1987 में जब किसकी सरकार आई, वीपी सिंह की, हमारे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार आई तो ओबीसी को क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। किसकी सिफारिशों के तहत दे दिया दोस्तों, मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत। ये तो ओबीसी को आरक्षण दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि ओबीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण दे रखा है। अब इनको ओबीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण दिया है वो कब दिया है दोस्तों, वो दिया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। इनको शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। और उसके लिए क्या बना दिया, एक अधिनियम बना दिया। ओबीसी के लिए क्या बना दिया दोस्तों, एक अधिनियम बना दिया। और अधिनियम का नाम क्या था, केंद्रीय शैक्षणिक अधिनियम, केंद्रीय शैक्षणिक अधिनियम 2006। और इसके बीच में लिख रखा है कि प्रवेश में आरक्षण। देखिए जो शैक्षणिक संस्था है उनमें प्रवेश के लिए ओबीसी को भी क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। और इसके लिए क्या बनाया, एक केंद्रीय शैक्षणिक अधिनियम 2006। और आरक्षण देने से पहले जो आरक्षण दिया शैक्षणिक संस्थाओं में, देखिए कब दिया, शैक्षणिक संस्थाओं में मतलब जब हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2004 में, जब यूपीए गवर्नमेंट आई, तो उस समय क्या थे, काफी सारे आंदोलन हुए। उन आंदोलनों के तहत एक जोरदार मांग उठी कि आपने आरक्षण तो दे दिया, आपने ये जो 1987 में श्री वीपी सिंह जी ने जब आरक्षण लागू किया तो उस समय आपको शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे दिया। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में आपने आरक्षण किन में दिया, निम्न स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं में। लेकिन आपने आईआईटी, आईआईएम, एम्स आदि शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, तो इस आरक्षण की काफी सारी मांग उठी। इसीलिए 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने 93rd संविधान संशोधन करते हुए ये कहा कि अब केंद्रीय जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान होंगे उनमें भी क्या होगा, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। और वो आरक्षण कितना होगा, 27% होगा। अब यह आरक्षण 27% ही क्यों होगा, इसका आधार एक है, वो क्या है, जनसंख्या। यानी जिन जिन जातियों को, क्या है दोस्तों, जिन जिन जातियों को हमारे संविधान के अनुसार या भारत सरकार के नियमों के अनुसार ओबीसी माना गया है, उन जातियों की जनसंख्या कितनी थी, लगभग 27%। तो उसके आधार पे हमने इनको क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें। अब क्या होता है दोस्तों कि ये आरक्षण देने के बाद, अब वन टाइम आरक्षण इन्होंने दे दिया इनको, अब इसमें एक इन्होंने नई अवधारणा डाल दी और वो अवधारणा थी क्रीमी लेयर की। कौन सी थी दोस्तों, क्रीमी लेयर की अवधारणा। अब क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है
उसके तहत इन्होंने कहा कि जो 8 लाख रुपए, क्या होगी दोस्तों, 8 लाख रुपए से नीचे की जिसकी आय होगी वो सब क्या होंगे, नॉन क्रीमी होंगे, और 8 लाख रुपए से ऊपर की जो आय वाले होंगे वो सब क्या होंगे, क्रीमी लेयर हो जाएंगे। अब और इनके अलावा कौन कौन होगा, इनके अलावा कौन कौन होगा जो क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक पद धारण, सार्वजनिक पद धारण कर रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट का पद, गवर्नर का पद हुआ, सीएजी का हुआ, एससी के न्यायाधीश वगैरह, बहुत सारे जो सार्वजनिक सेवाओं के पद होते हैं। दूसरा कौन से पद हो गए इसमें, सार्वजनिक सेवाओं के ए व बी ग्रुप के पद, ए व बी ग्रुप के पद। तीसरा है सैन्य पद, सैन्य पद। अब सेना में भी क्या है, ऐसे थोड़ी आपके हवलदार को भी क्रीमी लेयर मान लिया जाएगा, नहीं, जो कर्नल रैंक होगा, जो कर्नल रैंक पे होगा वो और उससे ऊपर के सभी, तो ये सब क्या होंगे, क्रीमी लेयर होंगे। इसके अलावा हाँ, इनकम का मैंने बता ही दिया आपको, इनकम दोस्तों सॉरी, इनकम 8 नहीं 6 लाख होगी, कितनी होगी दोस्तों, 6 लाख होगी। क्रीमी लेयर की इनकम क्या है, 6 लाख है। सार्वजनिक पद क्या है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएजी, एससी, बाकी बहुत सारे सार्वजनिक पद है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर हो ही गया, राज्य सेवाओं में हो गए, और केंद्रीय और राज्य सेवाओं की ए और बी ग्रुप के पद हो गए, सैन्य पदों में कर्नल रैंक तक का पद, ये सब क्या होंगे, क्रीमी लेयर से बाहर होंगे, सॉरी ये क्रीमी लेयर में शामिल होंगे, नॉन क्रीमी लेयर से बाहर होंगे, इनको रिजर्वेशन, इनको सबको आरक्षण नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये है हमारे सामने क्रीमी लेयर की अवधारणा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके बाद एक फिर आवाज उठने लगी कि आरक्षण तो आप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आरक्षण आप केवल एससी एसटी ओबीसी को ही दे रहे हैं, जबकि आप ये देखते हैं कि सामान्य जातियों में भी अनेक व्यक्ति आर्थिक आधार पर गरीब हैं, तो आप उनको भी आरक्षण दीजिए। तो इसी क्रम में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 103वां क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यह किससे संबंधित था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या कर दिया गया, इन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% आरक्षण किसमें दे दिया, शिक्षण संस्थाओं में दे दिया, 10% आरक्षण किसमें दे दिया, शिक्षण संस्थाओं में दे दिया। और इसमें भी जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए आय सीमा क्या रखी गई है, 6 लाख रुपए दोस्तों। आर्टिकल 16 में क्या लिखा है कि लोक नियोजन के विषय में किसकी समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। अब इस जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, इसका मतलब क्या है कि राज्य जब भी अपने यहां किसी भी प्रकार का कोई रोजगार गठित करेगा तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या देगा, अवसर की समानता देगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उस राज्य के रोजगार प्राप्ति के लिए बराबर अवसर, समान अवसर मिलेंगे, इनके आधार पर वो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, और किस आधार पर नहीं करेगा, वही आर्टिकल 15 वाले 5 आधार आपके धै में जय ले जय, ये इसी शॉर्ट फॉर्म होती है, धम जलज, यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर वो क्या नहीं करेगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देगा और विभेद नहीं करेगा इन 5 आधारों पर। अब इसके अपवाद, आर्टिकल 16 के तो अपवाद होंगे, तो आर्टिकल 16 का अपवाद क्या है कि राज्य किस आधार पर विभेद करेगा, अपवाद कहता है कि राज्य निवास के आधार पर, निवास स्थान
की शर्त आरोपित कर सकता है। देखिए संविधान में जो भाषा लिखी हुई है वो कह रहा है कि राज्य लोक नियोजन में क्या शर्त आरोपित कर सकता है, निवास स्थान की शर्त आरोपित कर सकता है। और यहां पर जो राज्य होगा वो कौन सा राज्य होगा, जैसे हमारे जो राज्य स्तर के जो राज्य होते हैं उनको यहां पर राज्य की संज्ञा दी गई है, यहां पे राज्य की संज्ञा राज्यों को दे दी गई। और दूसरा काम कि वो किस शर्त को रखेगा, निवास स्थान की शर्त को, निवास स्थान की शर्त भी किससे आरोपित करवाएगा, भारतीय संसद से। यानी संसद क्या करेगी, निवास स्थान की शर्त को मानते हुए संबंधित राज्य जैसे हमारा राजस्थान हो या फिर भारत के जो 28 राज्य इनमें से किसी भी राज्य के लिए वो निवास स्थान की शर्त कानून के तहत अध्यारोपित कर सकती है, कानून के तहत अध्यारोपित कर सकती है। ये सब किसमें लिखा था पहले, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम, सार्वजनिक रोजगार एक्ट 1957 में। ये बातें कहां लिखी थी, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 में, किसके तहत बनाया था, ये जो निवास स्थान की शर्त है इसके तहत संसद ने ये एक्ट बना दिया था, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम। इसको संसद ने ही क्या किया 1974 में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया इस अधिनियम को, इस अधिनियम को 1974 में समाप्त कर दिया। और संविधान में चूंकि ये लिखा हुआ है कोई भी राज्य जब चाहेगा उसकी विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित कर देगी तो संसद उसके लिए निवास स्थान की शर्त आरोपित करते हुए अधिनियम बना देगी। अब 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 में होता है, 98वां संविधान संशोधन कब होता है, 2012 में। और इसके द्वारा 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा दो स्टेट कौन कौन से, एक आपका कर्नाटक और दूसरा आपका हैदराबाद। अब 2014 में जो हैदराबाद है उसमें एक और स्टेट जुड़ जाता है और वो क्या है, तेलंगाना जुड़ा। तो हैदराबाद पहले क्या था, आंध्र प्रदेश एक राज्य था जिसकी राजधानी हैदराबाद थी। अब ये जो हैदराबाद है ये इस समय दोनों राज्यों की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की भी। अब इस हैदराबाद के साथ कौन से दो स्टेट लग गए, एक आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका तेलंगाना। तो इन तीन राज्यों के लिए अब ये अधिनियम क्या है, इस समय लागू है कि वहां यानी कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जब भी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी रिक्रूटमेंट जारी की जाएगी तो वहां पर प्रथम जो प्राथमिकता है वो किसको मिलेगी, वहां निवास करने वाले लोगों को, यानी उन राज्यों के नागरिकों को, उन राज्य के निवासियों को क्या मिलेगी, कर्नाटक हैदराबाद और तमिलनाडु तेलंगाना के अंदर जब भी सरकारी सेवाओं में कोई नियुक्ति होगी तो उनमें प्राथमिकता कह दें या पहली प्राथमिकता कहें या पहली प्रायोगिकता कहें तो वो किसको मिलेगी, प्रायोरिटी ये मिलेगी निवास स्थान की शर्त के आधार पर उस राज्य के निवासियों को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका वही दूसरा अपवाद जो अपवाद 15 में थे यहां पे भी सेम अपवाद हुए, ओबीसी एससी एसटी इनको भी क्या मिलेगी, रोजगार की नियुक्तियों में प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस को भी संबंधित कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन मिलेगा। असैन्य सेवाओं में मिलेगा ये, असैन्य सेवा प्लस नागरिक सेवा, सैन्य सेवाओं में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिलेगा, सैन्य सेवाओं में ईडब्ल्यूएस को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, सिर्फ किसमें मिलेगा, असैन्य सेवाओं में और नागरिक सेवाओं में। तो आर्टिकल 16 आपने देख लिया कि आर्टिकल 16 में कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में क्या करेगा, अवसर की समानता देगा। और इसका अपवाद भी बता दिया कि संबंधित राज्य निवास स्थान की शर्त के आधार पर संसद से अधिनियम बनवाएंगे और उसके संसद क्या करेगा, संबंधित राज्यों के निवासियों के लिए एक एक्ट बना देगा जिससे कि जो भी राज्य होगा उस अधिनियम से संबंधित उसके निवासी वहां की राज्य सेवाओं में प्राथमिकता
पा सकेंगे। दूसरा ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन मिलेगा, और किसमें मिलेगा, असैन्य सेवाएं और नागरिक सेवाओं में मिलेगा दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण सैन्य सेवाओं में नहीं मिलेगा। देख लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल नंबर 17, और शायद संविधान का एक सबसे इंपॉर्टेंट कहें हम इसे आर्टिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि लगभग लगभग इस संविधान की जान है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, या आप कहें तो छुआ छूत का अंत। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कीजिए और छुआछूत का अंत कीजिए। अस्पृश्यता, अब अस्पृश्यता की परिभाषा क्या नहीं है, संविधान में कहीं भी दी हुई नहीं है, तो इसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट में वाद पहुंचे तो वहां उन्होंने इसके बारे में बताया। उससे पहले मैसूर हाई कोर्ट, किसने बताया, मैसूर हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में यह व्यवस्था दी कि अस्पृश्यता को उन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया कि उन्होंने कहा कि सामाजिक निर्योग्यता ही अस्पृश्यता है। सामाजिक निर्योग्यता क्या है दोस्तों, सामाजिक निर्योग्यता। अब सामाजिक निर्योग्यता किस आधार पर है, सामाजिक निर्योग्यता का उन्होंने आधार बताया जन्म प्लस जाति, जन्म प्लस जाति, यानी जन्म और जाति के आधार पर अगर आपने किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से क्या घोषित कर दिया है, निर्योग्य कहें या अयोग्य कहें, तो वो क्या कहलाएगा, अस्पृश्यता कहलाएगी या छुआछूत कहलाएगी। अब इसके संरक्षण के लिए, इसके संरक्षण के लिए नागरिक संरक्षण, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया। क्या बनाया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, या फिर अस्पृश्यता अधिनियम 1955, और ये ही अधिनियम संशोधित 1976 में। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 और इसी को संशोधित करके 1976 में इसे संशोधित किया गया। ये अधिनियम दोनों किसने बना दिया, हमारी संसद ने। संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए एक और अधिनियम बनाया, और वो अधिनियम था आपका SC/ST Act 1989। 1989 में SC/ST एक्ट भी बनाया। अब इन अधिनियमों के माध्यम से संसद ने इनमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी कि इससे क्या होगा, अस्पृश्यता का अंत होगा। यानी आप किसी व्यक्ति को उसके जन्म या जाति के आधार पर सामाजिक रूप से, किस रूप से, सामाजिक रूप से अयोग्य या निर्योग्य नहीं कह सकते। यानी उसका भी समाज में उतना ही स्थान होगा जितना कि किसी उच्च वर्ण वाले का हुआ, या किसी का जन्म जिस भी प्रकार से हुआ है, तो इन सब का स्थान सेम होगा। यानी किसी का निम्न वर्ण में अगर जन्म होता है तो आप उसको सामाजिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। ये व्यवस्था दी, और उसके बाद SC/ST एक्ट बनाया, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989। इसके द्वारा इन जाति और जनजातियों को सामाजिक रूप से क्या घोषित किया गया, योग्य घोषित किया गया। इनके लिए कहा गया कि अगर इस एक्ट का उल्लंघन किया जाएगा तो वह व्यक्ति संविधान के अनुसार किस चीज का भागी होगा, मतलब गलत कृत्यों का भागी होगा, और उसे संविधान के अनुसार जो भी व्यवस्था और जो इन अधिनियमों में व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार कानूनी रूप से उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो ये तो व्यवस्था किसने दे दी, हमारी संसद ने। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद बारी आई सुप्रीम कोर्ट की।
इसकी बारी आई सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, संविधान में क्या लिखा है या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 17 के तहत क्या कहा कि सरकार या फिर या कहें हम राज्य प्लस निजी व्यक्ति या निजी संस्थाएं। अब ये निजी व्यक्ति और निजी जो संस्थाएं हैं ये क्या करेंगी, इस अस्पृश्यता को उन्मूलन करने संबंधी क्या उठाएंगी, कदम उठाएंगी, अस्पृश्यता को बढ़ावा ना देने संबंधी क्या करेंगी, कुछ उपाय करेंगी, अस्पृश्यता की वृद्धि को रोकेंगी या मानवीय सम्मान प्लस गरिमा के हनन को रोकेंगी, मानवीय सम्मान और गरिमा के हनन को रोकेंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बात तो बोली है, लेकिन ये किस लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसमें राज्य को ही शामिल नहीं किया है। देखिए आर्टिकल 17 वैसे तो संविधान के द्वारा तो राज्य के खिलाफ मूल अधिकार मिलते हैं, आर्टिकल 17 के तहत संविधान के जो हमारे संविधान सभा में संविधान विशेषज्ञों ने जब ये कानून बनाए और ये 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत के लिए मूल अधिकार प्रदान किया, तो उन्होंने जो मूल अधिकार दिए थे वो राज्य के विरुद्ध दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में अपनी जो एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट समय समय पर संविधान की व्याख्या करता रहता है वहां पे उसने बताया कि ये जो कानून है आर्टिकल 17 ये निजी व्यक्ति और निजी संस्थाओं के खिलाफ भी जारी होगा, लागू होगा, और निजी व्यक्ति और निजी संस्थाओं को भी ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि छुआछूत का अंत हो सके। दोस्तों अब आएंगे हम आर्टिकल 18, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम आएंगे आर्टिकल 18 जो कि समानता या समता के अधिकार का क्या होगा अंतिम आर्टिकल। अब आर्टिकल 18 आपसे क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे, उपाधियों का अंत कर देंगे। क्या करेंगे हम, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 आपसे क्या कह रहा है, हम उपाधियों का क्या करेंगे, अंत करेंगे। उपाधि पहले देखिए काफी सारी उपाधि दी जाती थी, किसी को राजा की, किसी को महाराजा की, किसी को राय बहादुर, किसी को राज बहादुर, किसी को भामाशाह, किसी को और कोई उपाधि, तो इन सब उपाधियों का क्या हो गया, अंत हो गया। अब इसके भी देखिए कुछ अपवाद है, मतलब उपाधियों से क्या होता था कि एक व्यक्ति स्वयं को विशेष समझने लगता था, उपाधियों से क्या होता था एक व्यक्ति स्वयं को विशेष कि हाँ मेरे पास तो ये उपाधि है और मैं इस वजह से अन्य सभी व्यक्तियों से श्रेष्ठ हूं। लेकिन हमारे संविधान ने आर्टिकल 18 ये व्यवस्था कर दी कि अब कोई भी उपाधि इस देश में लागू नहीं होगी, प्रत्येक नागरिक संविधान की नजरों में क्या होगा, समान होगा। अब ये व्यवस्था देते हुए इसने कह दिया कि जो भी उपाधियां हैं वो सब क्या हो जाती है, विधि शून्य निर्योग्य घोषित की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, कुछ अपवाद दे दिया। अपवाद क्या दिया इन्होंने कि दो क्षेत्र शिक्षा और सैन्य, शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्रों में क्या की जाएगी, उपाधियां प्रदान की जाएगी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में किसी को दे दिए डॉक्टरेट की उपाधि दे दी, डिलीट की उपाधि दे दी, तो ये सब उपाधियां क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में दी जाएंगी। और सैन्य क्षेत्रों में किसी को मेजर कर्नल ये सब उनकी रैंक और उपाधियां क्या है, सैन्य क्षेत्रों के अनुसार दी जाएंगी। इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र में राज्य के द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, राज्य किसी भी उपाधि को देने के लिए अधिग्रहित नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या, जैसे भारत का कोई नागरिक है, भारत के नागरिक को, भारत के नागरिक को कहां से लेनी है, विदेशी नागरिक, विदेशी उपाधि। जैसे अगर कोई देश भारत के किसी नागरिक को क्या दे रहा है, उपाधि, जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अब मोदी जी को जापान कोई उपाधि प्रदान करना चाहता है कि हम आपको हमारे यहाँ की डॉक्टरेट कोई भी उपाधि देना चाहता है, तो मोदी जी पहले क्या करेंगे, किससे सहमति प्राप्त करेंगे, राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति की लिखित सहमति,
लिखित सहमति। और ये जो बात है केवल मोदी जी के पक्ष में ही लागू नहीं होगी, ये आपके मेरे सभी के पक्ष में लागू होगी कि अगर हमें किसी भी अन्य देश से क्या लेनी है, कोई उपाधि लेनी है, किसी भी अन्य देश से क्या लेनी है उपाधि, शिक्षा और सेना इन दो क्षेत्रों को छोड़ करके जब हम विदेशी से कोई उपाधि ले रहे हैं तो वो उपाधि सॉरी शिक्षा और सैन्य भी सिर्फ भारत की, अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई उपाधि लेनी है बाहर से तो पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, राष्ट्रपति की लिखित सहमति की। यानी विदेश से जो भी उपाधि आएगी उसके लिए राष्ट्रपति की लिखित सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, भारत में कार्यरत राजनयिक, यानी भारत में अगर कोई राजनयिक कार्य कर रहा है, कोई राजदूत हुआ, हाई कमिश्नर हुआ, तो ये सब भारत में कार्य करते हुए अगर किसी अन्य देश से कोई उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको भी भारत में कार्य करने की दशा में राष्ट्रपति की लिखित सहमति ही लेनी होगी। तब अगर ये उस समय भारत में कार्य कर रहे हैं तो इनको राष्ट्रपति की लिखित सहमति के बिना क्या नहीं मिलेगा, उपाधि प्राप्त ये नहीं कर पाएंगे। तो भारत के नागरिकों के लिए भी जरूरी है, और कोई विदेशी नागरिक जो भारत में क्या कर रहा है, भारत में कार्य कर रहा है, और कैसा है वो, राजनयिक है, क्योंकि भारत में दूसरे देशों के लोग तो तभी कार्य करेंगे ना जब वो कोई राजनयिक होंगे। लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट। एक और लास्ट भारतीय नागरिक हो ही गया, विदेशी नागरिक हो गया। तीसरा, राज्य के अधीन पद धारण करने वाले, राज्य के अधीन पद धारण करने वाले, पद धारण करने वाले कोई भी व्यक्ति किसके बिना नहीं लेंगे, वही अपने राष्ट्रपति की सहमति के बिना। और राष्ट्रपति की सहमति कैसी होगी, राष्ट्रपति की लिखित सहमति होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आज हमने समता का अधिकार पूरा पढ़ लिया है। आगे की सीरीज में कल हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये समता और स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारे आर्टिकल के दो मूलभूत और शायद कहेंगे हम सबसे बड़े अधिकार है हमारे संविधान के तहत जो नागरिकों को दिए गए हैं। तो इनमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल CMI पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने बेल आइकन को दबा करके सभी नोटिफिकेशन आप प्राप्त करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।